असलम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू यू आर वॉचिंग शाह एडुकेशन पॉइंट आई होप यू ऑल आर गुड एंड आई एम आल्सो फाइन थैंक्स टू ऑल माई टी अल्लाह ठीक है बेटा तो आज हम कौन सा टॉपिक उठाने जा रहे हैं जाहिर सी बात है कल हमारा जो टॉपिक था वो कहाँ कम्प्लीट हुआ था दैट वॉज इनकम्प्लीट सो टूडे आई एम गोइंग टू कम्प्लीट दैट टॉपिक What was our topic yesterday? Uh, recommendations of Wood is Dispatch. Wood is Dispatch. You have to remember its date. its date, recommendations. it called dispatch kyun kehte uh, which, which document is called as Magna Carta of Indian Education? It is the Wood Dispatch. It is also called cornerstone of the Indian education. It is also called the document of paramount importance. And one more point that I forget yesterday this document is a very long. डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पैरेग्राफेड पैरेग्राफस मैंने आपको कहा था वक्त का जो गवर्नर जनरल था वैट लॉर्डोजे लॉर्डोजी बेटा बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि आपको लगेंगे कि वुड ने फेवर किया किन को इंडियन एजुकेशन को लेकिन बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पर लगेगा कि भाई नहीं ये तो फेवर किन को कर रहा है इंग्लिश एजुकेशन को जब ये सारे रिकमेंडेशन दिए गए तो ये कागज पे ही रह गए सिंपली यू मतलब जनता है इंप्लीमेंट गई नहीं लेटर ऑन हा अगर एक 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 लेक्चर इस और देंगे थोड़ा दस दस मिनट का वीडियो वो बनेगा हम इसके लिमिटेशन भी थोड़ा पढ़ेंगे बेटा ठीक है तो लेकिन फिलहाल अब आप ध्यान आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कल इसमें से जो कल का वीडियो मैंने दिया था और आज का वीडियो जितने भी पॉइंट यहां पर बगैर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा ठीक है तो देखिए चलते बेटा तो रिकमेंडेशन ऑफ इज डिस्पैच कंटिन्यू तो कल हमने दो तीन रिकमेंडेशन पढ़े थे जो आपको याद है मुझे पता है आपको याद है जिस जिसने देखा होगा जाहिर सी बात है याद होगा जिसने नहीं देखा होगा तो उसको क्या याद होगा ठीक है तो तीसरे हाँ देखो वी आर वी कंटिन्यू सिनस इट वॉज द डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट पहला डॉक्यूमेंट ऐसा था जिन्होंने क्या कहा कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक इंटरेस्ट इन एजुकेशन हो गया तो वेन इट इज द गवर्नमेंट हु विल टेक इंटरेस्ट इन द एजुकेशन तो अब क्या किया जाए कि देयर मस्ट बी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाओ डिपार्ट इनको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं वहाँ पे ऑफिसर्स को रखो जो इसका लुक आफ्टर करेंगे स्कूल स्कूल इंस्पेक्टर डिप्टी इंस्पेक्टर एक्स्ट्रा इनको बनाओ ऑफिसर्स बनाओ सो so दैट वो तमाम इन एजुकेशन डिपार्टमेंट को सुपरवाइज़ करें भाई काम अच्छी तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है तो इसको सुपरवाइज करें तो इसके लिए क्या करना है एक डिपार्टमेंट खोलो जिसका नाम है क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट और इट आल्सो कॉल्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बेटा यू कैन चेक दिस टर्म ये बहुत बार एग्जाम में आई है कि नेम द डॉक्यूमेंट नेम द फर्स्ट डॉक्यूमेंट हु सेड दैट देयर मस्ट बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट आर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक चाहे आपका नेट का एग्जाम हो सिलेट का एग्जाम हो पीजी एंट्रेंस का एग्जाम हो बेटा दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लीज रिमेंबर इट माइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो कॉन्सेप्ट था वो किसने कहा था बेटा चार्लिस ने किस डॉक्यूमेंट में वुड इज डिस्पैच में समझ आया बेटा एंड डियर दिस इज़ द डॉक्यूमेंट जिसने पहली बार कहा कि यूनिवर्सिटीज़ मस्ट बी एस्टैब्लिश अच्छी बात है अच्छी बात है अभी तक आज मतलब uh, 1853 तक किसी डॉक्यूमेंट ने ये नहीं कहा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हालांकि आपके वो सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्होंने एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा पब्लिक इंस्ट्रक्शन की बात की दूर की बात है यूनिवर्सिटीज की बात दूर की बात है लेकिन इट वॉज इट वॉज इट मीनस व्हाट इज डिस्पैच डिस इट वॉज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट हु सेट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज उसके बाद नाइनटी एटीन हंड्रेड फिफ्टी थ्री या फिफ्टी फोर के बाद एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन में बेटा इसके रिकमेंडेशन के बेस पे तीन यूनिवर्सिटीज को बनाया गया कलकत्ता मद्रास एंड बंबई बंबई को आज हम मुंबई बोलते हैं मद्रास को हम हम चेन्नई बोलते हैं और कलकत्ता को हम कोलकाता बोलते हैं तो थ्री यूनिवर्सिटी तीन जगह डेट इज इंपॉर्टेंट माय डियर रिकमेंडेशन किसके थे वुड इज डिस्पैच के तो इसके कहने पर इंडिया में तीन जगह यूनिवर्सिटीज बने वन इज यहां पे हम लिखेंगे वन इज बॉम्बे तो आप इसको लिखेंगे आज मुंबई

तो ये किसके कहने पे बेटा वेरी इंपॉर्टेंट चेक द पेपर्स इट इज इट इट इज फ्रिक्वेंटली हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मुंबई मद्रास कलकता दीज द थ्री यूनिवर्सिटीज फर्स्ट एस्टैब्लिश किसके कहने पर okay, छोड़ो इतना ही याद रखना है भाई ज्यादा हम इसको लंबा नहीं खींचेंगे नंबर सेकेंड अकॉर्डिंग टू वुड इज डिस्पैच दी आर मस्ट बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड स्कूल हाँ ये ग्रेडेड स्कूल हम आपको यहां पर इजिली सिखाएंगे ग्रेडेड स्कूल का मतलब यहां पर क्या है देखो प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन दिसर लाइक ये प्राइमरी है सेकेंडरी है और दिस इज हायर एजुकेशन तो दिज पहले कौन सी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए प्राइमरी कंप्लीट ना प्राइमरी देन सेकेंडरी सेकेंडरी के बाद हायर हायर एजुकेशन मैंने 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 कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को हायर एजुकेशन कहते हैं बेटा समझ आया तो प्राइमरी एजुकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन इज द सेकंड स्टेप इसमें लवर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी दोनों आते हैं एंड आफ्टर दैट हायर एजुकेशन इसमें आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आते हैं तो बेटा सच सच बोलो ये ग्रेडेड स्कूल का कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़ा किसी डॉक्यूमेंट में नो सर सो विच विच डॉक्यूमेंट विच डिस्पैच हैज मैं वट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड स्कूल तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन हायर एजुकेशन क्या है प्राइमरी लेवल स्मॉल लेवल आफ्टर दैट बिगर लेवल सेकेंडरी लेवल बिगेस्ट लेवल इज द हायर एजुकेशन आई होप के लेट ग्रेडेड स्कूल कॉन्सेप्ट जो है ये किसने बताया था देखो ये सेकेंडरी क्वेश्चन है फिर उन्होंने इस पर अमल की कि नहीं दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन बट रिकमेंडेशन तो किसने दिए वुड इज डिस्पैच ने तो वी मस्ट से इट द मेरिट तो मेरिट में ये लिखना है कि वुड इज डिस्पैच ने ग्रेडेड स्कूल का दिया अब ये दूसरी बात है सेकेंडरी क्वेश्चन वेदर दीज द सेकेंडरी क्वेश्चन बट मेरिट आएगा ना एग्जैक्टली exactly मेरिट आएगा तो ग्रेडेड स्कूल का कॉन्सेप्ट है इट इज वुड इज डिस्पैच का आई होप इट इज क्लियर टू यू शाबाश एंड वन मोर पॉइंट जिसपे सबसे झगड़ा हुआ था ना मैकॉलेज ने क्या कहा था वॉज द बिलीवर ऑफ मैथ एजुकेशन नो 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 ही सेड मैथ एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल अगर हम इंडियन को मैथ एजुकेशन कराएंगे तो इतना सारा खर्चा ये एक लाख रुपया तो इससे ज्यादा खर्चा आएगा एजुकेशन पे हाउ एवर इट इज इंपॉसिबल सो लॉर्ड मै कॉलेज जो था दैट वॉज ही वॉज टोटली अगेंस्ट द मैथ एजुकेशन एंड ही सपोर्टेड द फिल्टर एजुकेशन भाई एजुकेशन को फिल्टर करो ये खाली अमीर तो कहना चाहिए गरीब बेचारा मरे तो हमें उससे क्या लेकिन वुड इज डिस्पैच ही नेग्लेक्टेड कल ये क्वेश्चन जरूर आएगा विच डॉक्यूमेंट नेगलेक्टेड फिल्ट्रेशन थ्योरी इट इज वुड इज डिस्पैच so Wood's dispatch totally rejected what filtration theory and he recommended and he said expansion we, we, we must give education to the masses we give education to the masses so he was against what lord macaulay's filtration theory i hope it is clear the so, very important now coming to the next point grant in aid system yes but there is a one more concept

तो अगर अगर अंग्रेजों का दिमाग क्या है अंग्रेज नहीं चाहेंगे कि इंडिजीनियस स्कूल अपलिफ्ट करें आर यू गेटिंग माई पॉइंट लेकिन लेकिन बेटा चार्ल्स बुड जो था सपोर्टेड दैट ही सपोर्टेड दैट इंडिजीनियस स्कूल मस्ट बी मस्ट बी गिवन एट जो वहां पे टीचर्स हैं, उनकी सैलरीज को बढ़ाया जाए और टीचर की जो मतलब टीचर का जो स्टेटस है उसको थोड़ा बहुत बिल्ड किया जाए So this was the concept that grant and aid system for indigenous schools. It was emphasized. It was, uh, much citrus was given. So other recommendations? What other recommendations? dekho woman education was uh, highly supported. Uh, Muslim education was also, you know, given importance. Vocation education was also given importance. A solution of unemployment was also given the, uh, uh, was uh, under the recommendation. This means, of the dispatch ne ki hai, that was totally in favor of the Indians. But, universities must be established, no doubt at Mumbai, Madras and Calcutta, but on the pattern of London University. गेन इट वॉज अ कंट्रोवर्सी ने कहा भाई ठीक है यूनिवर्सिटीज बनाओ स्कूल बनाओ जो भी आपको बनाना है, बनाओ लेकिन उनका पैटर्न उनका करिकुलिसके उनका बेस पे होना चाहिए लंडन यूनिवर्सिटी के बेस पे सो इंडियन टोटली डिस वॉज द रॉन्ग यू नो वी कैनॉट से रॉन्ग वाई हाउ कैन वी से रॉन्ग बिकॉज चार्ल वुड बिलोंग्स टू द इंग्लिश मैन तो डेफिनेटली ये किसको सपोर्ट करता है पॉइंट लेकिन थोड़ा बहुत प्रिक इसने दिया कि भाई इंडियन उसको फेवर करो ऑरियंटल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दो ना कि इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए बट अगर कोई पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होना चाहिए हाँ आप अरबिक पढ़ सकते हो आप संस्कृत पढ़ सकते हो आप पर्शियन पढ़ सकते हो लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है भाई वो क्या होगा दैट इज इंग्लिश बट मैकॉलिग की तरह ये नहीं कि क्रिकेट मलेशियस जोगस एटलीस्ट उसने तो रेस्पेक्ट दिखाया तो अगर हम कंपेयर करेंगे मेकॉले के रिकमेंडेशन को और वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशंस को तो हम कह सकते हैं कि चार्लिस वुड वॉज इन फेवर ऑफ इंडियन एजुकेशन राइट माई डियर बट दे आर वायर सर्टन लिमिटे हाँ मैंने लिमिटेशन भी आप यहाँ पे बताए तो अब लिमिटेशन पे ज्यादा नहीं जाएंगे लिमिटेशन आपको पता ही है कि उसने कहा कि भाई वर्निकुलर सॉरी इंग्लिश मस्ट बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिस पॉइंट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई द इंडियन एंड उन्होंने कहा कि भाई यूनिवर्सिटीज uh, बनाओ जहाँ पे आपको बनाना है तीन जगह उसने दिया लेकिन उनका पैटर्न जो है उनका सिस्टम जो है उनका करिकुलम जो है वो क्या होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ लंडन यूनिवर्सिटीज माई डियर ठीक है बेटा बाकी पॉइंट दे आर एक्सेप्टड बाई द इंडियन बट दीज टू पॉइंट को लेकर दे आर आर कंट्रोवर्सीज़ इन द दाइंड ऑफ द इंडियन पीपल आई होप इट इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा तो ये सारे पॉइंट्स जो है बेटा प्लीज़ एंड प्लीज इसको अपने कॉपी पे नोट करो ऐसा मत करो कि भाई आपने वीडियो देखा तो बस आपने ये सारा लर्न किया नहीं बेटा कीप ऑलवेज लर्न कीप ऑलवेज लर्न वीडियो को देखने के बाद जितने भी पॉइंट्स आपको याद रखते हैं प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको बेटा आप कॉपी पे उतारने की कोशिश जरूर करेंगे एंड वन मोर पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस वीडियो को बेटा अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करना बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू शेयरिंग इज़ केयरिंग यू कैन हेल्प यूर टीचर बाई सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ यू आर न्यू एंड प्रेस द बेलाइकन दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट वीडियो ठीक है बेटा तो अगर आपको ये सही लगा अच्छा लगा प्लीज कॉमेंट में जरूर बताएगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू मे अल ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग